रुको, तुमने इतनी जल्दी फेरिया को खत्म कर लिया? और क्या, मैंने उस गेम का भी एंड कर दिया। तो कैसा था वो? एकदम घटिया और बकवास गेम था। चलो अच्छी बात है। उसमें सबसे बकवास तो वो फीमेल लीड थी, उसका नाम है फेरिया। उसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। इस गेम में सारी की सारी मुसीबतें उसी की वजह से आती हैं, और ऊपर से बेकसूर गांव वालों और आपके साथियों को मारकर हालात और बिगाड़ती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये सब देख के आपको लगेगा कि उसे इन करतूतों की सजा मिलेगी। किसी ना किसी तरह फाइनल बॉस पर सारा इल्जाम डाल देती है। उसने कुछ नहीं किया यार। मुसीबत की असली जड़ तो तुम हो। गेम के हर एक मोड में वो ये काम करती है, और अगर हम उसे डांटते हैं तो वो कहती है, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो कहानी आगे बढ़ाने से मना कर देती है और ऑटो सेव गेम को वही लॉक कर देता है। फिर उसे मनाने में 3 घंटे लग जाते हैं। अरे एक कमी हो तो बताऊं, मुझे तो सोच कर ही फिर से गुस्सा आ रहा है। लेकिन मैं इंप्रेस्ड हूँ कि तुमने हार नहीं मानी। गेम यही तो चाहता है कि हम हार मान ले। गेम में फाइनल बॉस को हराने के बाद और क्रेडिट शुरू होने से पहले के जो आखिरी 3 मिनट होते हैं उस कटसीन में, हम फेरिया को जी भर के पीट सकते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती। हाल की बात है ना, फेरिया हमें जितना भी सताती है, हमारे अंदर उसके जुल्म को सहने की उतनी हिम्मत बढ़ जाती है ताकि आखिर के 3 मिनट भड़ास निकालने मिले। पता है जब वो आखिरी पल आता है तब हमारा मन हल्का हो जाता है। लगता है दुनिया में आने का मकसद समझ में आ गया। चलो।